गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ प्लांट डिजीज़, यानी कि प्लांट डिजीज़ होता क्या है। तो बेसिकली ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके वजह से जो भी अपीयरेंस या फंक्शन है प्लांट का वो डिस्टर्ब हो जाए। ये एक तरह का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके वजह से कुछ पार्ट्स प्लांट के या पूरा का पूरा प्लांट डिस्टर्ब हो जाए। इसके वजह से जो भी प्लांट्स में अपन को यील्ड मिल रही है वो, या जो क्वालिटी है फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, इन सब की जो भी क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाए। और ये एक ऐसा चेंज है जो एक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान हमें दिखाई देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर जब प्लांट्स नॉर्मली फंक्शन कर रहा है तो उसमें फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, और बाकी जो भी प्रोसेस प्लांट्स में होते हैं वो सब इसमें आसानी से हो रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब प्लांट में कोई डिजीज़ आ जाता है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही है। शूट ब्लाइट, लीफ ब्लाइट, फ्रूट स्पॉट, लीफ स्पॉट्स, और विल्टिंग हो रही है प्लांट्स में। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि प्लांट में डिजीज़ होने के बाद हमें दिखाई देती है। ठीक है, अब इन डिजीज़ को मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ कंट्रोल मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, फिज़िकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड कल्चरल कंट्रोल। सबसे पहले हम बात करते हैं फिज़िकल कंट्रोल की। देखिए, फिज़िकल कंट्रोल जो है वो बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव मेथड है जिसके अंदर हम ये चाह रहे हैं कि हम केमिकल्स का यूज़ कम से कम करें और जो भी सीड एंड सॉइल बॉर्न पैथोजेंस हैं उनको हम दूर कर सकें। इसके लिए हम यूज़ करते हैं फिज़िकल कंट्रोल। और फिज़िकल कंट्रोल की एक ख़ास बात ये भी है कि इसके बाद कोई भी रेसिड्यूज़ ऐसे नहीं होते जो फिज़िकल कंट्रोल के वजह से एनवायरनमेंट में रह जाए या फिर इसके वजह से कोई भी एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट हो। ओके, ये कुछ फिज़िकल एजेंट्स हैं जिसके द्वारा हम फिज़िकली कंट्रोल करते हैं इन सब चीज़ों को। फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर को हाई या लो करके, ड्राई एयर, अनफेवरेबल लाइट वेवलेंथ्स देके, कुछ टाइप की रेडिएशंस देके, या फिर जो भी कल्टीवेशन कर रहे हैं प्लांट्स का उनको ग्लास या प्लास्टिक ग्रीन हाउसेज में करें, प्लास्टिक और नेट कवरिंग करें। इस तरीके से हम कुछ फिज़िकल एजेंट्स की हेल्प से फिज़िकल कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरली सीड बॉर्न पैथोजेंस के लिए हम कौन कौन से फिज़िकल मेथड यूज़ करते हैं। दे आर हॉट वाटर ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हम सीड्स को पहले हॉट वाटर में थोड़ी देर छोड़ देते हैं, उसके बाद में सीड्स को वहाँ से निकाल के ड्राई करके उसके बाद उनकी प्लांटिंग करते हैं। हॉट एयर ट्रीटमेंट, स्टीम एंड एरेटेड स्टीम, सोलर हीट ट्रीटमेंट, मॉइस्ट हॉट एयर ट्रीटमेंट, ये कुछ ट्रीटमेंट है जो कि हम सीड बॉर्न पैथोजेंस के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके से सॉइल बॉर्न पैथोजेंस के लिए, जहाँ जो भी सॉइल है उसको अच्छे से सोलराइज करें, स्टीम स्टरलाइजेशन करें सॉइल का, फॉर एग्जांपल ऑटोक्लेव्स एंड ऑल यूज़ करके, हॉट एयर स्टरलाइजेशन करें, हॉट वाटर ट्रीटमेंट करें। इस तरीके से हम सॉइल बॉर्न पैथोजेंस को फिज़िकल मेथड्स के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अदर फिज़िकल मेथड्स। इसके अलावा जो अभी हमने पढ़े हैं उसके अलावा और भी फिज़िकल मेथड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रेफ्रिजरेशन, रेडिएशन, ड्राइंग स्टोर्ड ग्रेन्स एंड फ्रूट्स, जो भी हमारे स्टोर्ड ग्रेन्स हैं उनको हम अच्छे से ड्राई करें यूज़ करने के पहले, बर्निंग एंड फ्लडिंग। तो ये कुछ और फिज़िकल मेथड्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। देन आता है केमिकल कंट्रोल। देखिए, केमिकल कंट्रोल्स बेसिकली क्या है, एज द नेम सजेस्ट, कि कुछ केमिकल या कुछ पेस्टिसाइड जो कि केमिकल बेस्ड है हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं और प्लांट की सर्फेसिस को हम इन्फेक्शन से बचाते हैं, या अगर वहाँ पे कोई पैथोजन है तो उसको पूरी तरीके से इरेडिकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं केमिकल कंट्रोल। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, सॉइल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं केमिकल के साथ, फ्यूमिगेशन कर सकते हैं केमिकल से, और डायरेक्ट प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं हम केमिकल्स के यूज़ से। ओके, अब जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं केमिकल्स को अप्लाई करने के लिए, वो मेथड्स क्या हो सकते हैं, या तो हम केमिकल्स को डायरेक्टली अप्लाई कर दें प्लांट पे, या हम कुछ तरह के इक्विपमेंट्स लेकर केमिकल्स को प्लांट्स पे अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल, हम फॉलिएट स्प्रे या डस्ट कर सकते हैं केमिकल्स को। ठीक है, जनरली इस तरह का जो प्रोसीजर हम करते हैं वो फंगल डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जब केमिकल को लेके और डस्ट कर देते हैं सरफेसेस पे, तो इस तरह के प्रोसेस से क्या होता है, जो फंगल स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट नहीं हो पाते और इसके वजह से बहुत से स्पोर्स किल हो जाते हैं। जो टाइप्स ऑफ केमिकल्स होते हैं, किस किस तरह के केमिकल्स हम यूज़ कर सकते हैं केमिकल कंट्रोल में, तो वो हैं आपके
इनऑर्गेनिक केमिकल्स जिसकी कैटेगरी में आते हैं आपके कॉपर कंपाउंड्स, बॉर्डेक्स मिक्सचर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज़ करते हैं प्लांट्स से पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए। देन इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स, कार्बोनेट कंपाउंड, फॉस्फोट एंड फॉस्फोनेट कंपाउंड्स एंड फिल्म फॉर्मिंग कंपाउंड्स, ये कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स थे। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स की, तो यहाँ पर जनरली हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल पीसीएनबी, टेराक्लोर, विनकोर्जीन, इस तरीके कुछ केमिकल्स हम यूज़ करते हैं जो कि ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स हैं। कुछ सिस्टमैटिक फंजीसाइड्स भी हम यूज़ करते हैं जैसे कि बैनलेट, पिरीमिडीन्स एट्सेट्रा, और कुछ एंटीबायोटिक्स, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन्स एंड साइक्लोहेक्सिमाइड, इस तरह के कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। देन आते हैं हम बायोलॉजिकल मैथड्स पे। एज यू ऑल नो कि केमिकल मैथड जो हम यूज़ करते हैं तो उसके वजह से हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो सकता है, और जो भी केमिकल्स है वो वॉश आउट होकर जब हमारी वाटर बॉडीज़ में जा रहे हैं तो उसके वजह से ये सब भी पॉल्यूट हो जाती हैं। तो इसके लिए जो अल्टरनेटिव मेथड है वो होता है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड से बेसिकली क्या किया जाता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके पैथोजन को कंट्रोल किया जाता है। ओके, तो ये बायोलॉजिकल मेथड क्यों प्रेफरेबल होता है, इसके बहुत से रीज़न्स हैं, कुछ के हम यहाँ बात करेंगे। ये एक तो पूरी तरीके से नॉन टॉक्सिक होता है ह्यूमंस के लिए, दूसरा कि एक बार हमने इसको यूज़ कर लिया तो बहुत सालों तक ये यूज़ आता है हमारे, बहुत सालों तक अपना कंट्रोल ये बनाए रखता है। दूसरी बात, ये वाटर को कंटामिनेट नहीं करता, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये होस्ट स्पेसिफिक है। तो ये कुछ बायोलॉजिकल मेथड हैं, मैकेनिज़म्स हैं जिसके द्वारा हम कंट्रोल करते हैं पैथोजेंस को। सबसे पहले है इसमें एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस का मतलब बेसिकली क्या होता है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म का हम इनहिबिशन करवाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जिसके अंदर वो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो या तो कोई एंटीबायोटिक डिफ्यूज़ कर रहा है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म में, जिसके वजह से पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ुइटरमिसिन ए, ये एक तरह की एंटीबायोटिक है जो कि बैसिलस सीरियस प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट फाइटोफथोरा, ठीक है, जो कि अल्फा अल्फा में रूट रॉट कॉज करता है, ठीक है। दूसरा तरीका जो हो सकता है बायोलॉजिकल कंट्रोल का, वो ये है कि जो भी हम पैथोजेंस या के लिए जो भी हम बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो और पैथोजेंस इन सब दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कॉम्पिटिशन हो रहा है। किस चीज़ के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन, नाइट्रोजन और आयरन, ऑक्सीजन, इन सब के लिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सीडोमोनास फ्लोरेसेंस है, ये क्या करता है, बैक्टीरियल ब्लॉच को रोकता है बाय कॉम्पिटिंग विथ सीडोमोनास टोलासी। नेक्स्ट जो मैकेनिज्म हो सकता है बायोलॉजिकल कंट्रोल का, वो है डिस्ट्रक्टिव माइकोपैरासिटिज्म। इसके अंदर क्या करता है, एक फंगस दूसरे फंगस को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा मार देता है, या फिर कुछ सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स बनाकर उसको किल कर देता है, या फिर कुछ फंगसेज ऐसी भी होती हैं जो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करती है और दूसरे पैथोजेनिक फंगस को मार देती है। इसका एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा हर्जियाना, जो कि पैथोजेनिक फंगस के अगेंस्ट में एज अ सीड ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ट्राइकोडर्मा फंगस किस तरीके से दूसरे फंगल हाइफे के ऊपर कॉइल हो रही है और उसको किल करती है। नेक्स्ट आता है कल्चरल कंट्रोल। देखिए, फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल कंट्रोल हमने पढ़े, अब फोर्थ है आपका कल्चरल कंट्रोल। कल्चरल कंट्रोल के द्वारा कोशिश की जाती है कि आर्टिफिशियली जो भी राइजोस्फीयर है उसे मैन्युपुलेट किया जाए और कुछ दूसरे तरीके से जो डिजीज़ के इंसिडेंस है उसे रोका जाए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, सीरीज़ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप सेम एरिया में ग्रो करते हैं। इसके वजह से क्या होता है, जो भी वहाँ पर उसके अंदर जो भी पैथोजेंस हैं जो कि होस्ट स्पेसिफिक हैं, उनके ग्रो होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जो क्रॉप रोटेशन होती है उससे हमें तीन फ़ायदे हैं, हेल्दी क्रॉप्स मिलती है, डिजीज़ का कंट्रोल भी होता है और न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखा गया है कि जब टबैको क्रॉप को ग्रो किया जाता है इमीडिएटली आफ्टर मेज, तो देखा गया है कि सीडोमोना सोलानिज्म के द्वारा जो भी डिजीज़ की इंसिडेंस होती है उसे काफ़ी हद तक मेस पे रोक लिया जाता है। नेक्स्ट आता है सैनिटेशन। अगर हम टाइम टू टाइम डिजीज प्लांट्स को हटाते रहें, उन्हें रिमूव करते रहें, तो इससे वजह से क्या होगा कि वो डिजीज़ पैथोजेंस जो हैं वो नहीं होंगे वहाँ पे, और उसके वजह से न्यू प्लांट्स को इफ़ेक्ट नहीं कर पाएंगे।
टाइम टू टाइम अगर हम जो भी टूल्स यूज़ कर रहे हैं या जो भी हम अपने और हैंड्स वगैरह टूल्स वगैरह जो भी यूज़ करते हैं क्रॉपिंग के लिए, उन सबको हम टाइम टू टाइम डिसैनिटाइज करते रहें, उनको सैनिटाइज करते रहे जिससे कि कंटेमिनेशन रोका जा सके, तो इस तरीके से हम क्रॉप ये कल्चर कंट्रोल कर कर क्रॉप को बचा सकते हैं। सॉइल टिलेज कर सकते हैं जिसके अंदर हम क्या करें पैथोजन को डिस्प्लेस करें, डीप सोइंग कर लें हम, या फिर प्रॉपर मैन्योरिंग करें, या जो टाइम है सीड्स को सो करने का उसको चेंज कर दें। तो इस तरह के कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस के द्वारा भी डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। जो एग्जांपल्स अपन ने यहाँ बात की है उसके अलावा और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, आप ये अच्छे से पढ़ लीजिए। जहाँ भी आपको डाउट है या कुछ समझ नहीं आ रहा आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।